What's up everybody? This is your Siraj Rafi, एक और नई वीडियो के साथ. वेलकम टू चैनल सेजू व्लॉग. तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे यार, अपन ने भाई पहली बार रेलवे स्टेशन से व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है, तो ये जो व्लॉग बनने वाला है भाई बहुत ही अमेजिंग बनने वाला है. ठीक है, तो ये सीरीज जो हम लोग बना रहे हैं, तकरीबन 3 से 4 वीडियोस आएंगी इसकी आप लोगों के लिए. तो अभी हम लोग फिलहाल है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे, कालूपुर रेलवे स्टेशन पे, और मैं जा रहा हूँ बेट द्वारका. अब बेट द्वारका मैं खुद के पैसे से नहीं जा रहा हूँ भाई, हमारी एक कंपनी है, उस कंपनी के ओनर ने हमको ट्रिप ऑफर की और हमने एक्सेप्ट किए. तो वो ओनर से मैं आपको मिलाना चाहूँगा और ज़्यादा जानकारी हम उनसे ही लेते हैं यार, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ बोलते तो हैं नहीं. तो हमारे साथ हैं हमारे सर फारूक मेमन. सर कैसे हो? हाय सेजू, हाउ आर यू? बढ़िया, एकदम जबरदस्त. अपनी कंपनी का नाम बता दो. हम लोग ये जो ट्रिप जा रहे हैं, हमारी कंपनी का नाम है एक्सपीरियंस ट्रैकिंग एंड हॉलीडेज. जी, हमारा 2 दिन का ट्रिप रहेगा. 2 दिन का, और ट्रिप बहुत ऑसम रहने वाला है जी. एक चीज और बता दूं, 2 दिन का तो ये आप लोगों को ऑफर करेंगे, अगर आप लोग बुक करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए एकदम ओपन है. सेजू भाई आपको 3 दिन रुकना है, 4 दिन रुकना है, जब तक रुकना है आप रुक सकते हो. लेकिन ये जो ट्रिप है ना भाई, इसमें क्या क्या होने वाला है? कुछ 6 से 7-8 पॉइंट है, तो वो 8 पॉइंट आप बता सकते हैं क्या? बिल्कुल जी, बता सकता हूँ. हम लोग जब यहाँ से ट्रेन में बैठेंगे जी, अभी 11:30 बजे हमारी ट्रेन चलेगी जी, हम सुबह में वहाँ पर 8:30 बजे पहुँच जाएंगे जी. ठीक, हम दरिया किनारे पर उतरेंगे. क्या बात है, रेलवे स्टेशन दरिया किनारा. हाँ, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, बाजू बाजू में. क्या बात, वहाँ पर हमारे लिए बोट पहले से वहाँ पर रेडी होगा. यस, और हम लोग उस बोट में बैठेंगे. हाँ, और बोट में बैठने के बाद ओखा से हम लोग बेट द्वारका जाएंगे जी, और बेट द्वारका हमारा ब्यूटीफुल कैंप है, फिर वहां पर एंजॉय करने वाले हैं. और सर की सारी डिटेल्स, मतलब आप किस तरीके से बुक कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही ट्रिप बुक करो. अगर आप लोग चाहते हो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई ट्रिप बुक करना, तो भाई की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेना भाई से. नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह, ऑफिस का सब कुछ दिया हुआ है. तो अभी सीधा हम लोग ट्रेन में बैठेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा सुबह का सीन. तो भाई साहब अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे लोकेशन पे, और ये पूरा बाजार है. अगर जैसे ही आप लोग ओखा के अंदर एंटर हो गए, रेलवे स्टेशन तो सिर्फ 1 किलोमीटर पे ही है, 500 मीटर पे ही है ना, 300 मीटर पर है, इसको जेटी बोलते हैं. जेटी, और जेटी पर हमको बोट मिलेगी. हाँ, और वो बोट के द्वारा हम लोग. हाँ, बेट द्वारका पर जाएंगे जहाँ हमारा कैंप लोकेट है. क्या बात है, हम लोग रुको आप लोग रुको. अब एक लोकेशन में आप लोगों को पीछे का दिखा देता हूँ. देखो हम लोग किधर साइड है, ये देखो क्या चीज है और कहाँ पे आए हुए हम लोग. ऊपर देखो उधर साइड कितने सारी बोट्स हैं. और अभी हम लोग यहाँ से अपने को भाई आइलैंड पे जाने में कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट का रास्ता है. 15 मिनट का बोट बोट बाय बोट जाएंगे. अच्छा एक चीज बताओ, जैसे अभी यहाँ पे कोई भी आ रहा है, तो आप यहाँ से लेके, मतलब अहमदाबाद से लेके वापस अहमदाबाद छोड़ने तक का खर्चा आप पूरा करेंगे? हाँ, हम लोग कंप्लीट पैकेज देते हैं. हाँ, उसमें हम कस्टमर के पास से और कोई अदर चार्ज नहीं लेते हैं. ओके, बाकी आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करना हो, जैसे मैंने चश्मा खरीदा तो ये 100 रुपए का है, यहाँ पे आप ले. हाँ, सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन ये 50-60 रुपए का अहमदाबाद में मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ले सकते हो. अभी हम लोग सीधा चलते हैं बोट पे, और बोट वगैरह का जो भी चार्जेस होगा भाई खुद देंगे, आपको देने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल, बोट पे चलते हैं और उसके बाद हमारे आइलैंड पे चलते हैं. एक्चुअली में थोड़ी बहुत नाश्ते वगैरह की चीज हमने ले ली है बोट पे खाने के लिए, तो ये हमारे पास है. ठीक है, ये भी सर ने ही ली हुई है, तो बोट पे खाने के लिए. और अभी हम लोग कैंप पे जाएंगे जो हमारा, तो वहाँ पे होटल तो हमारा है स्पेशल. एक ऑर्डर करेंगे तो चाय आ जाएगी, एक ऑर्डर करेंगे तो खाना आ जाएगा, सारी फैसिलिटीज मिलेगी सेजू भाई आपको. और वो कैंप इतना अच्छा है, और वहाँ की सर्विस इतनी बेटर है कि आप रात को 11 बजे भी चाय मांगोगे दरिया किनारे पर बैठकर, तो वो मिलेगी भाई आपको. भाई ये सारे एक्सपीरियंस आपको मैं कराने वाला हूँ, और वीडियो में बने रहना, मैं डॉल्फिन से जरूर आप लोग को मिलाऊंगा इंशाल्लाह. हाँ भाई, बहुत सारी डॉल्फिन देखने को मिलेगी. कल सुबह हम लोग जाएंगे डॉल्फिन के लिए. कल सुबह आज क्या क्या करने वाले हैं? आज की जितने है, आगे हम लोग एक्टिविटीज करते जाएंगे. हाँ, मैं आगे आगे बताते रहेंगे. तो भाई साहब अभी हम लोग बैठ चुके हैं बोट में. बोट में नॉर्मली अगर कोई पर्सनली आता है, तो एक बोट में एक इंसान का कितना होता है?
₹20 चार्ज है और गवर्नमेंट का यहाँ पर पहले से चार्ज होता है कि ₹20 लिया जाता है। हाँ। ओखा से लेकर हमको बेट द्वारका तक उतारा जाता है, ये 15 मिनट अपने को लगेगा। हाँ, वो 15-20 मिनट का रास्ता है, लेकिन चार्ज यहाँ पर बहुत ही रिजनेबल होता है। हाँ। सिर्फ ₹20 लिया जाता है। खाने पीने का भी चार्ज देखा जाए तो बहुत सस्ता था बाहर। हाँ, यहाँ पर आपको सारी चीजें बहुत ही रिजनेबल रेट में मिलती है। भाई क्या ही गजब चाय बनी थी। तो भाई ये देखो, एक व्लॉग नहीं आएगा यहाँ का, मैं कम से कम 5 व्लॉग डालने वाला हूँ, अलग अलग टाइप का छोटे छोटे व्लॉग डालूंगा, मजा आएगा आपको। तो भाई लोकेशन देख के यार क्या ही मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो यहाँ से 15 मिनट हमको लगेगा हमारे लोकेशन पे जाने में। लोकेशन पे पहुंचते ही हम क्या करने वाले भाई? लोकेशन पर पहुंचने के बाद पहले हम लोग ब्रेकफास्ट, बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करेंगे। वहाँ पर नहीं किया है अभी, राजा धीराज करके एक अच्छी सी रेस्टोरेंट है अपनी पहचान वाले की, वहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे और वहाँ से हम लोग बाय रिक्शा हम हमारे कैंप पर जाएंगे। और सबसे पहले हम हमारे जो टेंट है वो हमको एलोकेट किए जाएंगे, पहले टेंट में जाएंगे फिर हम नाश्ता वगैरह करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो सारे सीन में दिखाता हूँ आपको। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे मैंने सारी स्टोरीज डाल दिया था, और भाई का भी इंस्टाग्राम को आपको फॉलो करना है तो इनका एक बार आप इंस्टाग्राम हैंडल बता दीजिए। एक्सपीरियंस ट्रैकिंग एंड हॉलीडेज से नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, मैं मेंशन कर दूंगा साइड में, देखो आ रहा होगा तो उस पर आप लोग चले जाना। बिल्कुल भाई, तो भैया हम लोग पहुंच चुके हैं, ये क्या चीज़ है भाई? द्वारका, बेट द्वारका। और अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे रिक्शे के अंदर हमारे टेंट पे, और अगर थोड़ी बात मैं बाहर चल के बताता हूँ आपको, एक स्पेशल बात आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों के फायदे वाली चीज़ है, तो चलते आ जाओ। सेफ, नो टेंशन। अच्छा, आप लोगों को एक स्पेशल चीज़ बताना ये था कि नेक्स्ट ट्रिप में अगर आप लोग मेरे साथ और फारूक सर के साथ आना चाहते हो तो फारूक सर से कांटेक्ट कर लो। ये जो बोट थी ये पब्लिक के लिए थी, और अगर अगली बार जब हम लोग आएंगे, और कितने लोग होंगे? तो 30 लोगों का भी ग्रुप होगा तो हम पर्सनल बोट देते हैं और सारी फैसिलिटीज उनको स्पेशल दी जाती है। क्या बात तो है, आपको अगर बुक करवाना हो तो भाई नंबर डिस्प्ले पे चल रहा है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सारी डिटेल्स है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे लोकेशन पे, पहले रिक्शे पे जाना पड़ेगा। यहाँ से कितने किलोमीटर है? दो किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं। तो चलते हैं, चलो चले लो रिक्शा। हाँ ले। फाइनली हम लोग हमारी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, तो भाई ये इस लोकेशन का नाम बताइए। ये लोकेशन में अपने बेट द्वारका के हमारे कैंप पर आ चुके हैं जी। और हम लोग अभी जहां पर खड़े हैं ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जी। हम सब मानते हैं कि फोटोग्राफी कितना पैशन है लोगों का जी। तो हमने यहां पर उसका ख्याल रखते हुए डिफरेंट उन्होंने सेल्फी पॉइंट बनाए, उसमें का एक ये सेल्फी पॉइंट है। हम दूसरे भी सेल्फी पॉइंट हम दिखाएंगे आपको, फिलहाल हम जो खड़े हैं उसके सेल्फी पॉइंट बोलते हैं जी। और एक चीज और बता दूं, अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं यही आपके सबसे काम की चीज है। ये डिस्कस होने वाला है कि आपको प्राइज में क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो आप लोग अभी एक टेंट में आपको दिखाऊंगा, वो टेंट आप लोग फटाफट देख लो, और उसको देखते देखते ये भी सुन लो कि भाई प्राइस बता दो कि ये टेंट का क्या प्राइस है, जैसे ये नॉर्मल वाला टेंट अपना। सेजू भाई यहाँ पर हमने प्राइस बहुत ही नॉर्मल रखे हुए हैं जी। और अहमदाबाद से अहमदाबाद का पूरा पैकेज, आना जाना, खाना पीना, रहना और ढेर सारी एक्टिविटीज, ये सब कुछ। कितनी नाइट हुई? दो दिन और एक नाइट यहाँ का स्टे रहता है। समझ लो कि हम फ्राइडे रात को वहां से निकलते हैं जी। तो सैटरडे और संडे यहां पर रहना है, सैटरडे की नाइट यहां पर रहना है टेंट में जी। और हम लोग संडे नाइट को यहां से हम निकलेंगे तो मंडे को अहमदाबाद पहुंचेंगे। ये पूरा पैकेज हम लोग जी, जो नॉर्मल टेंट्स होते हैं विदाउट एसी, वो हम लोग पूरा पैकेज
3,950 रुपए में। ये जो नॉर्मल टेंट आप लोग देख रहे हैं अभी, तो ये वाला टेंट आप लोग ने देखा गाइस काफी जबरदस्त है, तो इसके अंदर एक साथ चार लोग भी रह सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैं आपको टेंट दिखाने वाला हूँ वो है एसी टेंट। ये आप लोग कंटेनर वाला टेंट देख रहे हो गाइस, तो ये कंटेनर वाले टेंट का भाई प्राइस क्या है? सेजू भाई, कंटेनर के हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, एक कंटेनर टेंट है और ऐसा ही एक हमारे पास स्विस टेंट है, वो बहुत लग्जरियस टेंट है। उसमें कस्टमर को सारा अटैच मिलेगा, वॉशरूम मिलेगा, शावर मिलेगा, वॉश बेसिन होगा और बढ़िया सा थ्री स्टार जैसा वहां पर बेड मिलेगा उनको, जिसमें एसी, टीवी और सारी फैसिलिटीज अंदर उसको मिलेगी। और ये पूरा पैकेज हम लोग सेम पैकेज अहमदाबाद से अहमदाबाद तक का हम सिर्फ पर पर्सन 4,950 प्रोवाइड करते हैं, जो यहाँ के हिसाब से पर्सनल बीच और सारी फैसिलिटी के हिसाब से बहुत कम रेट है और खूबसूरत कैंप यहाँ पर बना हुआ है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग जिस कैंप के अंदर हम लोग रुके हुए हैं अभी उसका मैं आपको पर्सनली विजिट कराता हूँ। और एक चीज़ यहाँ की बहुत खास लगती है, आप बीच के पास में ही हो और आप कॉल मतलब बोलते हो और आपके पास चाय आ जाती है, आपके पास खाना आ जाता है, ये काफ़ी बढ़िया है। तो अभी मैं आपको अपने कैंप में लेके चलता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो, ये हमारा टेंट है और इसके एग्जैक्ट पास में ही हमारा देखो बीच है, काफ़ी ज़बरदस्त। तो बीच का आप लोग लोकेशन देख लो, काफ़ी बढ़िया लग रहा है गाइस। अभी हम लोग खुद जाके नहाने वाले, थोड़ी देर में यहाँ पे आएंगे नहाने के लिए। तो अभी हम लोग आपको बता देते हैं हमारा टेंट के अंदर क्या है। एसी फुल चालू है, चिल्ड है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सर आप बताइए। चलिए, ये जो हमारा टेंट है उसे स्विस टेंट बोलते हैं जी, और ये एक पूरे फैमिली को हम लोग यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं जी। उसका पूरा यहाँ पर फैसिलिटी मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पर टेंट दिखा रहा हूँ जी। ये उसका एंट्रेंस है, यहाँ पर सिटिंग एरिया है जी, यहाँ पर हम लोग शाम को बैठेंगे, ठंडी सी हवा आती है जी। ये इसका मेन गेट है जी और आप देख सकते हो, वाह भाई चिल्ड एकदम जबरदस्त। ये जो आप देख रहे हो ये स्लीपिंग एरिया है जी, राइट। ये बेड है, देखो आप चाहे तो एक्स्ट्रा बेड भी लगवा सकते हैं। एसी, टीवी जी, यहाँ पर विंडो नेचुरल एयर के लिए जी, और यहाँ पर टॉयलेट, वॉशरूम, टॉयलेट, वॉश बेसिन, शावर, ये सब कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज अटैच दी गई है जी। यानी कह सकते हैं कि इसे पूरा पूरा स्विस टेंट बोलते हैं, एक छोटा सा स्विस घर होता है ऐसा ही हमने पूरा इसको डिजाइन किया है जी। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ सेजू भाई कि क्लाइंट इसको बहुत एंजॉय करेगा। ओके, और तो गाइस एक चीज बता दूं आपको, हमारी कंपनी का नाम है एक्सपीरियंस ट्रैकिंग एंड हॉलीडेज, ट्रैकिंग एंड हॉलीडेज। तो इसके अंदर मेन चीज क्या होता है कि बंदा खुद एक्सपीरियंस करके, मतलब सर खुद एक्सपीरियंस करते हैं कहीं पे भी जाते हैं, उसके बाद ही अपने क्लाइंट को ले जाते हैं। अगर एक्सपीरियंस बेड हुआ तो नहीं ले जाते। इसके लिए कंपनी का नाम है एक्सपीरियंस ट्रैकिंग एंड हॉलीडेज। ठीक है, लेकिन एक और मैं खबर आपको सुना दूं दोस्तों। हाँ। हम लोग नेक्स्ट ट्रिप दिसंबर के फर्स्ट वीक में लाने वाले हैं और वो होगी सेजू भाई और फारूक मेमन के साथ। हाँ। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हम बहुत ही जल्द उसका फॉर्मेट और आपको उसकी डिटेल्स दे देंगे, आप अपना बुकिंग करवा सकते हैं। यकीन मानिए सेजू भाई के साथ फोटोग्राफी बहुत मजा आएगा। सेजू भाई कैसी रहेगी आपकी फोटोग्राफी? फुल फोटोग्राफी, फुल रील, फुल हर एक चीज। मैं वीडियोस भी थोड़ी बहुत बना लूंगा अपनी यूट्यूब की, उसमें भी आप लोग आ जाना साथ में। और सर मैं पूरी फैसिलिटीज और एक्टिविटीज सारी मैं डिजाइन कर दूंगा, तो आप यकीन मानिए सेजू और फारूक के साथ ये ट्रिप आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो आप अपना बुकिंग करवा सकते हैं एक्सपीरियंस ट्रैकिंग एंड हॉलीडेज पर। नंबर है आपका 9974680124। ओके, तो सब डिस्प्ले पे चल रहा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया हुआ, फटाफट कॉल कर लो। अगर भाई थोड़ा बिजी रहेंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं इनका पर्सनल नंबर दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग कॉल कर सकते हो और अपना मतलब बुक कर सकते हो जो भी, अगर आपको इधर आना हो तो। गाइस तो ये वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बस रेडी होके नहा धो के निकलेंगे और यहाँ से फिर हम लोग बोट अंदर जाएंगे, शायद बीच पे नहाएंगे और बोटिंग वगैरह करेंगे और मरीन लाइफ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। यस यस, बहुत सारे एक्साइटमेंट बाकी है अभी सेजू भाई जी। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिसको भी जाना हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो डेली इसी तरीके की वीडियो के लिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।